ऐसा सूंघता है जैसे तुम जहर दे रहे हो उसको। ग्रोइंग अप एडल्टिंग जस्ट व्हेन आई थॉट कि सब सही जा रहा है, काश फूट गया यहाँ पे। झाड़ू मैंने लगा दिया है, बहुत सारे कॉकरोच कलेक्ट किए मैंने मरे हुए। ऐसा तो मत करो, देखो ना मैं कितना सारा लेके जा रही हूँ। रात को मेरी तबीयत भी खराब हो गई, आई गॉट पीरियड्स, फीवरिश लग रहा था। Actually very good. Hi everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I believe you guys are doing well. Welcome to another new vlog on my channel. आप लोगों को मेरा previous realistic living alone routine in Mumbai काफी ज्यादा पसंद आया, काफी लोगों को वो relaxing लगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। So आज का ये जो video होने वाला है, it's all about cleaning and running some errands for this house. पहले ये वाला flat में अपनी friend सुप्रिया के साथ शेयर किया करती थी, बट अब वो यहाँ पे नहीं है। सो आई बी टेकिंग केयर ऑफ द हाउस ऑल बाय माई सेल्फ। आई डू हाउस चोर्स, बट साथ साथ मैं बाहर से हेल्प भी लेती हूँ, जैसे मेरी हेल्पर हैं जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है मेरे लिए। साथ साथ मैंने आज अर्बन कंपनी वालों को बुलाया है क्योंकि पंखे काफी गंदे हो चुके हैं, इतनी धूल उड़ती है ना, और एकदम रोड साइड पे ही है मेरा घर, तो बहुत जल्दी पंखा गंदा हो जाता है। लास्ट फ्यू मंथ से मैं ही साफ करती आ रही हूँ पंखा, बट क्योंकि मेरे एक्ने बहुत ट्रिगर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ धूल मिट्टी प्रदूषण, सो आई थॉट कि चलो अर्बन कंपनी को बुला लेते हैं, अपने एक्ने को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज वो आने वाले हैं टू क्लीन द पंखा एंड ऑल्सो टू क्लीन द सोफा। थ्री सीटर जो सोफा है वो काफी गंदा है, इट्स बाय फर्लिंगो जो मैंने रेंट किया था। रूम की ये सुंदर लाइट कितनी अच्छी लग रही है। सो ये है मेरे रूम का पंखा, बहुत ही गंदा है। मैं इसको ऑलरेडी दो बार साफ कर चुकी हूँ, बट इतनी धूल उड़ती है मुंबई में, स्पेसिफिकली जहाँ पे मेरा फ्लैट है ना वहाँ पे। और जूम इन करो तो आप लोग देख सकते हो वो एक परत दिख रही है आपको। मुझे काफी डर लगता है कि एक बार मैं पंखा ऑन करूंगी वो पूरा मेरे फेस पे आके गिरेगा और एक्ने हो जाएंगे मुझे। ये ना अंदर से भी क्लीन करना, ये इसको उठाओ ना थोड़ा, ये वाला पोर्शन। पांचों फैंस साफ हो चुके हैं, मेरा सोफा साफ हो चुका है, वो सूख रहा है इस वक्त। उन्होंने बोला कि 3 घंटे तक पंखे के नीचे रखना है, आराम से वो सूख जाएगा। दोपहर का समय है, मैंने नहा लिया है, रेडी हो चुकी हूँ। खाना बनाया नहीं है मैंने और भूख भी इतनी लगी नहीं है क्योंकि जो मैंने ऑमलेट बनाया था ना चीज़ ऑमलेट, वो काफ़ी हैवी था, बट शाम तक मुझे भूख लग जाएगी। और शाम से पहले मुझे एक्चुअली घर भी वापस आना है, बाहर जा रही हूँ इस वक्त टू रन सम एरेंड्स। दिस इज द लिस्ट एक्चुअली दैट आई मेड और इसमें से काफ़ी काम मैंने कर लिया है। लेट्स गो शॉपिंग, 1-2 घंटे में वापस आना है क्योंकि शाम को घर में होने वाला है पेस्ट कंट्रोल। काफ़ी किचन में कॉकरोच हो चुके हैं, ऐसे फैलते ना कॉकरोच जैसे जंगल में आग, और हर प्रकार के कॉकरोच के साइज मैंने देख लिए, इत्तू इत्तू इत्तू, एंड आई वाज लाइक बहुत हो गया, अब तो करवाना पड़ेगा। किचन और एक बाथरूम का मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया है, 5:30 ही विल बी हियर, सो उससे पहले आई हैव टू बी बैक, लेट्स गो। आई मेड इट टू द शॉप, लेट्स गो इनसाइड। पिलो कवर्स, बेडशीट, दोहर वगैरह खरीदेंगे। ये क्या कॉटन मिक्स है? ये नहीं कॉटन है, पूरा कॉटन है ये। ये थोड़ा फुला फुला उससे ऐसा, इसमें कुछ कम नहीं होगा भैया? वो वाला बताओ, वो पिंक वाला, हाँ वो। और एक मुझे ये और एक ये देखो, ये ज़्यादा प्रिंटेड दिख रहा है मुझे, फिर ये वाला कर दो आप। आई एम ऑल्सो गोना बाय कुशन कवर्स, आई रियली लाइक दिस एंड आई लाइक दिस टू ऑल्सो एज अ बेड। भैया पॉम पॉम वाले भी दिखा दो। भैया आप कुछ भी काम नहीं करोगे? कुछ भी नहीं, ऐसा तो मत करो, देखो ना मैं कितना सारा लेके जा रही हूँ, कंसिडर तो करो थोड़ा। सारा सामान ऑटो में। आई एम बैक होम, चेंज कर लिया है टी शर्ट एंड लेट्स डू अ हॉल। दीज टू पिलो कवर्स, दोनों का प्राइस डिफरेंट है बट लुक हाउ प्रिटी दिस कलर इज, आई लव। इसमें मेरे बाल लगे वाला कलर इस सोफे के साथ कितना सुंदर लगेगा ना। एंड दिस आई गॉट फॉर द ब्लू वन, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट मटेरियल दिस इज, लाइक वुलन फैब्रिक समथिंग इसके ऊपर है, बट द पैटर्न इज रियली नाइस। दिस इज 590, दिस इज 490। मैंने अमेजोन से भी पिलो कवर मंगाया, आई वांट टू सी कि फैब्रिक में क्या डिफरेंस आ जाता है। फिर आई गॉट दिस मॉफ पिंक कलर का बेडशीट, दिस वॉज 1590। इतना सॉफ्ट मटेरियल है ना, इसका मटेरियल टच करके आई वाज लाइक इस पे सोने पे कितना मजा आने वाला है। बताओ जो लड़की मेकअप हॉल्स वगैरह करती थी वो लिनन और बेडशीट वगैरह के हॉल कर रही है,
ग्रोइंग अप एडल्टिंग एंड लास्टली आई गॉट दिस दोहर. वाओ, ये इतना सुंदर है ना गाइस, और इतना सॉफ्ट मटेरियल. दिस इज इंडिगो प्रिंट एंड पैटर्न. आई लव इंडिगो प्रिंट्स. सो दिस कॉस्टेड मी 1990 रुपीज. ये डबल दोहर है, ठीक है, ये बहुत लंबा है. आई नो मुझे आप लोग बोलोगे कि शालिनी आप ऑनलाइन ले लेते, आपको सस्ता पड़ता. ठीक है यार, कभी कभार शॉप से जाके भी खरीद लेना चाहिए चीजें. ओके, पिलो में पिलो कवर लगा दिया मैंने और मेरा सोफा भी सूख चुका है, तो इस कॉर्नर में इसको रख देते हैं. यू नो व्हाट, येलो वाला भी रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए साथ में. अच्छे लग रहे दोनों साथ में. आई ऑल्सो गॉट दिस न्यू पर्दा टुडे जो मैंने ऑलरेडी लगा दिया है. ये बेहद खूबसूरत फॉइल प्रिंट वाला पर्दा है. उनके पास एक ही था तो मैंने अभी एक ही लिया है, जस्ट टू सी वेदर आई लाइक इट और नॉट. आई लंच इज हियर. हार्वेस्ट सलाद को से दो चीजें मंगाई है, सलाद और चिकन पेनिनी सैंडविच. दिस इज व्हाट चिकन पेनिनी सैंडविच लुक्स लाइक. इट्स सो गुड, डिलीशियस, यम्मी, इट्स हेल्दी एज वेल. Next day. Good morning. This is actually the next morning. Pest control करवाने के बाद 3 घंटे तक उन्होंने रखने के लिए बोला था और मैंने रात भर actually छोड़ दिया उसको. And guess what? रात को मेरी तबीयत भी खराब हो गई. I got periods. Feverish लग रहा था. हल्की सी vomiting भी हो गई मुझे. And my back was aching a lot. Oof. काफी मुश्किल से तो सो पाई हूँ मैं बिकॉज ऑफ पीरियड्स. एनीवे, घर की हालत तो खराब नहीं, इट्स जस्ट दैट थोड़ा डिसऑर्गेनाइज दिख रहा है सब कुछ. किचन में बहुत कॉकरोच दिख रहे हैं. किचन की हालत देखते हैं जाके. दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. लुक एट दैट. आई एम सो सॉरी, मैं आपको मरे हुए कॉकरोच दिखा रही हूँ, बट दिस इज पार्ट ऑफ लिविंग अलोन और प्रॉब्ली जस्ट having a house. Look at this, look at this. झाड़ू मैंने लगा दिया है, बहुत सारे कॉकरोच कलेक्ट किए मैंने मरे हुए. आई डोंट वांट टू शो यू दैट क्योंकि बहुत ज्यादा यू मूवमेंट हो जाएगा. डेड बॉडीज देख ली ना आप लोगों ने कॉकरोच की जो मैंने पहले दिखाई थी. ओके, दैट्स दैट, बट इट्स सो ग्रॉस, बट आई एम ग्लैड आई डिड दिस पेस्ट कंट्रोल. अम्मा लेफ्ट, काफ़ी कुछ मैंने डिस्कार्ड किया. ये जो प्लास्टिक वाले डब्बे ना वो अभी कुछ कुछ रखे हुए हैं मैंने, जस्ट इन केस आई विल नीड देम. मेरी कुक भी आके मेरे लिए खिचड़ी बना के गई हैं. मैंने उनको बोला बहुत ही लाइट खाना बनाओ फर्स्ट एंड देन आई विल स्टार्ट अरेंजिंग द किचन. बहुत कुछ कुछ मैंने अभी अरेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने कप्स वगैरह रख दिए. पहले यहाँ नहीं रखा करती थी मैं कप्स, यहाँ पे रखा करती थी, बट ये एरिया सिर्फ यूटेंसिल्स वगैरह के लिए रखा है अभी मैंने. और बहुत कुछ कुछ डीक्लटर किया है, फेंका है चीज़ें जो काम की नहीं है, जो एक्सपायर हो चुकी है, जैसे ये बूंदी एक्सपायर हो गया है. खाना मैंने खा लिया है. आई ऑल्सो टुक मेडिसिन. मैं सोच रही हूँ किचन पूरा सेट कर लूँ, फिर मैं सो जाऊँगी नहा के. शाम को सारा भी आएगी एंड मुझे ना स्ट्रेस हो रहा है इतना सारा पसारा देख के. यहाँ भी पसारा, हर कहीं पसारा, किचन में पसारा, बिहाइंड द कैमरा पसारा. एंड आई ऑल्सो ऑर्डर फ्यू थिंग्स फ्रॉम अमेजोन. दीज आर फॉर किचन एक्चुअली, सो आई एम गोना डू अ हॉल एंड देन वी विल यूज दिस टू सेट द किचन. फर्स्ट ऑफ आई ऑर्डर ये वाले कांच के बॉटल, ये ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब रखने के लिए. इट कम्स विद दिस नॉब लाइक दिस, ये ऐसे अटैच हो जाएगा. नेक्स्ट अप ये वाले कांच के बर्नीस, ये ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है. इसमें आप काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब रख सकते हो. आई ऑर्डर 4 ऑफ दीज एक्चुअली. अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्या रखनी है इसमें, बट ये काफी अच्छा मटेरियल है. ऑल्सो ऑर्डर सेम काज का बर्नी इन डिफरेंट साइज. आई ऑर्डर 3 ऑफ दिस. साइज डिफरेंट देख सकते हो, छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है. लास्टली आई गॉट दीज प्लास्टिक बॉक्स कंटेनर्स. इट कम्स विद अ लिड लाइक दिस. दिस इज अ एयर टाइट लिड. दिस वाज टू स्टोर ग्रेन्स वगैरह. पहले मैंने सोचा था कि काज का ही मंगाती हूँ, बट जो मेरी कुक है ना, आई एम नॉट श्योर कि वो हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, और टूटने का काफी चांसेस रहता है. सो गॉट
ओके सो किचन में मैंने सामान कुछ इस प्रकार से अरेंज किया है. मुझे ऐसे और डब्बे मंगवाने पड़ेंगे क्योंकि काफी कुछ अभी भी पैकेट्स के अंदर है. पहले यहाँ पे ना स्नैक्स का एरिया हुआ करता था. एंड आई यूज वन ऑफ द जार टू कीप माय बिस्किट्स जो कि मैं सुबह लेना पसंद करती हूँ. और थोड़ी बहुत ग्रैनुलर्स बच गए थे तो मैंने इस वाले जार में भर दिया छोटे वाले में. एक और चीज मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये वुडन चॉपिंग बोर्ड. इससे पहले मैं प्लास्टिक वाला यूज करती थी एंड मैंने पढ़ा कि माइक्रो प्लास्टिक उसमें जनरेट होते हैं एंड दैट कैन गो इन योर स्टमक एंड कैन मेस अप विद योर हार्मोन्स. सो आई गॉट दिस जस्ट व्हेन आई थॉट कि सब सही जा रहा है. काश फूट गया यहाँ पे. मैंने वेर आई ब्रेक अ ग्लास ना दिस इज व्हाट आई डू. अच्छे से रैप कर दिया है पॉलीथीन में और लिख दिया उसने कांच ग्लास. फाइनली आई हैव टेकन शावर एंड बैठी हुई हूँ, सनसेट देख रही हूँ. I just realized I have not talked to anybody or not said a word for the past 4 hours almost. जब अकेले रहते हो तो ऐसा होता है. आपको व्यू दिखाओ, इतना सुंदर व्यू है. हाय, जस्ट लुक एट दिस व्यू गाइज, जस्ट लुक एट द ब्यूटी, सो सुंदर. बाथरूम से चेंज करके मैंने कपड़े पहन लिए. सारा एंड फजू आर कमिंग, दे बोथ आर कमिंग टू माय हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. सो एक्साइटेड. अनितु, इतने टाइम से मैं हूँ यहाँ पे और अभी तक सारा ने मेरा घर नहीं देखा है. दो बार ऐसा प्लान बना था कि वो आएगी यहाँ पे एंड दोनों बार मैंने उसको बोला कि नहीं कभी और करते, कभी और करते. और आपको पता है वो खाना भी लेके आ रही है, मेरा उसका फज का भी. पधारो मारी देश. तो मेरे दो अनमोल रतन आए. मैं उबर अब अच्छा लग रहा है. व्हाट सारा, मैं ड्राइव नहीं की, मैं उबर करके. पता मुझे, आई नो दैट यू लाइक माय हाउस और नॉट. इट्स वेरी प्रीटी हाउस, वेरी वेल डन. द पिंक एंड पर्पल इज सो है ना. ऑपोजिट वॉल्स, पर्दे नहीं है. सारा सारा आती थी, दीपस बेड नहीं है शालू, मुझे बताती. पर्दे नहीं है शालू, मुझे बताती. क्या और क्या क्या सारा चेस्टर नहीं है शालू, मुझे बताती. देख कुछ नहीं है औरत. व्हाट अ शॉट आई हैड टोल्ड हर व्हेन आई वाज रिमूविंग माय बेड. आई हैड टोल्ड हर, आई नो दिस. वो चली जाती है हर दो दिन में भोपाल, तो इंसान उसको कैसे कुछ देगा, जरा मुझे बताना प्लीज. वी आर ईटिंग अप द फूड दैट सारा बॉट. Chicken. Sara is back to eating healthy guys after Goa trip. Yeah, yeah. And she bought me kitchen. Oh, because I said, "Tere ko bolu, tu vlog kyun nahi karti?" 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the moment we I have taken over Shalini's vlog cam. This is what we want. मैं शालिनी को बोलती थी कि तू व्लॉग कर, मैं तो व्लॉग क्यों नहीं करती है. And I have this insane thing कि like she was telling me something and she said Sarah has bought this. तो अभी तो कैमरा तो चालू नहीं, तो तू किससे बात करी शुरू में, तेरे से बात कर. थर्ड पर्सन में मेरे से क्या बात कर रही है, बोले यू हैव नॉट बॉट दिस कैमरा. आई लव द लाइट शी गेट्स इन अ हाउस. फज, कम ऑन बच्चा. मैंने शालिनी के लिए लेस कैलोरी रियल फ्रूट वाली आइसक्रीम मंगाई बिकॉज उसका पेट खराब है. सो शी कांट ईट मिल्क एंड आई एनीवेज ईट लो कैलोरी स्टफ नाउ. एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट टाइम ट्राइंग नोटो. हैव यू ट्राइड? ये लोग शार्क टैंक पे भी आए थे, मानो देखो. यू कैन मेक योर वीडियो. आई ट्राइड शार्क टैंक ब्रांड्स पार्ट 1. कितने पार्ट्स करेंगे? पहला तो शुरू कर. कुछ तो मिसिंग है पर शुगर. एक्चुअली खुशियां मिसिंग है. एक तो यार पीएमएस, यू गॉट योर पीरियड हो ना, यू गॉट ना, दैट्स व्हाई यू आर क्रेविंग शुगर. मैं तो ऐसी सब चीजें खाती हूँ तो मुझे तो कुछ मिसिंग नहीं लगेगा. बहुत ज्यादा फ्रोजन है.
इसे टेस्ट नहीं आ रहा. हाँ. सॉर्बे लाइक दे मेक फ्रेश एंड गिव यू. ये स्टोर्ड है ना, इसमें प्रिजर्वेटिव्स है. एक्चुअली क्या है ना, ये कम मीठा है पर अच्छा है. बट इसमें स्टोरेज है तो प्रिजर्वेटिव्स है. सो इट्स नॉट टेस्टिंग एज गुड एज बेलो पॉप्स. पर सुंदर भी है. चस बज इज लाइक सारा का एंटीना. यस बज यू. उसको लग रहा है मैं उसको पॉपस्टिकल दूंगी. शालिनी इज गॉट फज. What is this, chicken one? He does not like treats. वो ऐसा artificial वाले नहीं खाते. देख कितना सूंघेगा. ऐसा सूंघता है जैसे तुम जहर दे रहे हो उसको. What a rejection. Yes. Fudge is very bougie. You don't know him. वो बोली थी मत खरीदिए सब. इसको मेरी माँ गाजर चिकन बॉईल करके मटन बॉईल करके बिना नमक बिना मसाला. He's a very desi banda. Now I've started to like. Same. Taste buds develop हो गए. फज़ इन सारा left. थोड़ी बच गई थी खिचड़ी तो मैं वो खा रही हूँ. बहुत ही टेस्टी. आंटी ने काफी अच्छा बनाया. मैंने चिकन का छोटा सा पीस भी खाया सारा से लेके. और मैं ना अपना बैग भी पैक कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ घर कुछ दिनों के लिए. जब मैं घर बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भोपाल की बात कर रही हूँ, भुवनेश्वर की बात कर रही हूँ, क्योंकि घर तो वही है ना जहाँ परिवार है. और मेरा परिवार थोड़ा भुवनेश्वर में, थोड़ा भोपाल में. इट वॉज अ वेरी हेक्टिक टू डेज ऑफ डिक्लटरिंग, साफ सफाई वाला थिंग. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टूडेज वीडियो. सो अगर आप और ऐसे कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में. जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे बात करूँगी. बाय.